इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष, प्राप्ति जैन, फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन, स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन एडवोकेट, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री शुभम मोदी सीए, श्रीमती गजल मोदी सीए, मुंबई प्रवासी, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार, फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माँ जिनवाणी से संबंधित एक ही नैमित्तिक पर्व है, उस पर्व के बारे में चर्चा करते हैं, वह है श्रुत पंचमी। तो जो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को हम मनाते हैं, इसके पीछे एक लंबी कथा है जिसे श्रुत अवतार कथा भी कहते हैं। ये तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद तीन अनुबद्ध केवली हुए। पहले गौतम स्वामी जो 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, और सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, फिर जम्बू स्वामी जिनका काल 38 वर्ष रहा केवल ज्ञान के साथ, कुल 62 वर्ष रहा। तिल्लोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार इनके बाद 5 सुत केवली हुए, नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। इन पांचों श्रुत केवलियों का संपूर्ण काल 100 वर्ष रहा। इसके बाद 11 आचार्य, 11 अंग एवं 10 पूर्धारी हुए। तो विशाख, पोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेनो, विजय, और बुद्धिल, गंगदेव, सुधर्म, इन सबका काल कुल 183 वर्ष रहा। इसके बाद आचार्य 11 अंग के धारी हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस, इनका कुल काल 220 वर्ष रहा तिल्लोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार। इसके बाद 4 आचार्य आचारांग धारी हुए, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहार। उक्त चारों आचार्य आचारांग के अतिरिक्त शेष 11 अंगों और 14 पूर्वों के एक देश धारक थे, इनका कुल काल 118 वर्ष रहा। अब बहुत अच्छी कहानी आने वाली है जो पहले शायद सुनी भी होगी, लेकिन कुछ नए लोग भी रहते हैं जिनको अपने जिनवाणी के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो गौतम गढ़धर से लोहार आचार्य तक कुल काल 62, 100, 183 और 220 और 118, यानी 683 वर्ष रहा। तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के बाद श्रुत ज्ञान क्रमशः घटता गया और 683 वर्षों के बाद समस्त अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य धर्मसेन को प्राप्त हुआ। अल्पायु जानकर चिंता हुई कि यह श्रुत ज्ञान कहीं लोप ना हो जाए, और अतः श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने महिमा नगरी यानी जिला सतारा, वर्तमान में जो महाराष्ट्र में, उस महायति सम्मेलन को जहां आचार्य श्री अरहत बलि ने पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एकत्रित किया था, पत्र भेजा कि मुझे तीर्थंकर महावीर भगवान से आगत महाकर्म प्रकृति का ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त है, उसका अवच्छेद ना हो जाए। इस आशंका से आप दो युवा तथा योग्य साधु को भेजिए, जिससे मैं उन्हें यह ज्ञान दे सकूं। उत्तम मुनि संघ ने पत्र को पढ़कर दो मुनियों, एक नरवाहन और एक सुबुद्धि को, जिनका ज्ञान का चैवसम श्रेष्ठ था, भेज दिया। क्योंकि अभी तक तो लिपिबद्ध नहीं हो रहा था, अभी तक तो स्मृति में चला आ रहा था। जैसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे तो ग्रंथ नहीं देखते थे, उनको याद रहता था। बड़े बड़े ग्रंथ एक पढ़ लिए उनने और याद हो जाता था उनको। ऐसे ही पहले चल रहा था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ। दोनों मुनिराज ने गिरनार की ओर विहार किया, और गिरनार पहुंचने की पूर्व रात्रि में आचार्य श्री धर्मसेन ने स्वप्न में दो श्वेत वृषभ देखे। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि श्रुत को धारण करने वाले दो मुनि आ रहे हैं।
इसलिए स्वप्न जब आते हैं तो अपन चिंतित हो जाते हैं। तो कुछ स्वप्नों का फल अच्छा भी मिलता है, कुछ स्वप्नों का फल बुरा मिलता है। तिथियों के हिसाब से अलग अलग तिथि में, कौन सी तिथि में अगर अपने देख रहा, कौन से प्रहर में देखा, उन तिथियों और प्रहर के हिसाब से अलग अलग फल मिलता है। और दूसरे दिन दोनों मुनिराजों ने गिरनार की ओर विहार किया, और जब हाँ उन्होंने जान लिया कि ये दो मुनि आ रहे हैं, तब उनके मुख से अनायासी निकल पड़ा जयु सुई देवदा, यानी श्रुत देवता की जय हो, ऐसे वचन निकल पड़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे तो देवता बोलते हैं श्रुत को, कहीं जिनवाणी माँ बोलते हैं, तो कहीं माँ बोलते हैं, इधर देवता बोल रहे हैं, तो दोनों मिलते हैं उसके लिए। तो दोनों दूसरे दिन प्रातः दोनों मुनियों ने आकर भक्ति पूर्वक आचार्य परमेश्वर को नमस्कार कर आने का कारण बताया। आचार्य दर्शन ने दोनों मुनियों को दो दिन तक उनकी परीक्षा करने के बाद दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, दो दो उपवास के साथ दिया, और दोनों महाराज विद्या सिद्ध करने लगे। जब विद्या सिद्ध हो गई तब वहां पर उनके सामने दो देवियां प्रकट हुई, और दोनों उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी और दूसरी देवी का एक दांत बाहर निकला था। देव देवियां तो सुंदर होते हैं, देवियों का यह स्वरूप देखते ही समझ गए कि मंत्र में कोई गड़बड़ी है, और मंत्र शास्त्र के जानकार थे, मंत्रों के बारे में जाना कि एक मंत्र में एक अक्षर न्यून था, इससे एक आंख वाली देवी दिखी, दूसरी महाराज के मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था इससे एक दांत बाहर निकला था दूसरे, और मंत्रों को ठीक कर पुनः मंत्र सिद्ध करने लगे, जिससे फलस्वरूप अपने यथार्थ स्वरूप में वह प्रकट हुई। तब बोली, हे नाथ आज्ञा दीजिए, हम आपका कौन सा कार्य करें। तब मुनियों ने कहा, हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। दोनों मुनियों ने मंत्र सिद्ध की घटना गुरुदेव को सुनाई। गुरुदेव ने शिष्यों की योग्यता जानकर शुभ मुहूर्त में विद्या प्रारंभ कर दी, और यह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को संपन्न हुआ। एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर हो गए, उनका नाम पुष्पदंत पड़ा, तथा दूसरे मुनि की भी भूत बलि, भूत जाति के देवों ने वाद्यंत्रों से पूजा की, जिससे उनका नाम भूत बलि पड़ा। आचार्य दर्शन स्वामी ने अपनी आयु अल्प जानकर दोनों शिष्यों को वहां से बिहार के आदेश दे दिए। दोनों मुनिराज विचार कर रहे थे कि वर्षायुग की स्थापना मात्र दो दिन शेष हैं, अब तो गुरु जी के पास वर्षायुग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, किंतु गुरु आज्ञा होती दोनों मुनिराजों का वहां से विहार हो गया। तब आचार्य दर्शन स्वामी स्वयं संलेखना की साधना में लीन हो गए, उनकी कुछ समय में अग्निमरण समाधि हो गई। दोनों महाराज वहां से विहार करते करते अंकलेश्वर गुजरात में वर्षायुग किया। इसके बाद आचार्य पुष्पदंत ने वनवास देते, यानी वर्तमान में वनवासी ग्राम जिला शिमोगा कर्नाटक, और भूतबलि द्रवण देश को विहार कर गए। यहाँ तक सुत लिपिबद्ध नहीं था, आचार्य पुष्पदंत ने कर्म प्रकृति प्रावृत को छह खंडों में उपसंहार करना चाहते, अतः उन्होंने 20 प्ररूपणाओं का 100 सूत्रों में वर्णन कर शिष्य जिन पालित मुनि के द्वारा आचार्य भूत बलि के पास भेज दिया। आचार्य भूत पुष्पदंत का अभिप्राय षटखंडागम रचने का है था, मतलब उस समय की बात। अतः आचार्य भूत बलि ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंडों की रचना की, जो इस प्रकार हैं, जीवस्थान, श्रुतस्कंद, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित्व, वेदनाखंड, बरगणाखंड और महाबंद। आचार्य भूतबलि ने इन षटखंडागम सूत्रों को ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, और जिस शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में सुत की पूजा की, तब से यह पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इससे प्रतिवर्ष श्रुत पंचमी मनाते हैं। इस दिन श्रुत स्कंद होता है, एक कई जगह रजत पे भी है, रजत पे यंत्र रहता है और वह वेदी पर रखा होता है, उसका अभिषेक करते हैं, उसका गंधोदक
बच्चों को जरूर लगाना चाहिए जिससे कि उनकी बुद्धि अच्छी हो। सबको लगाना चाहिए, बड़ों को, बच्चों को, इसलिए विशेष रूप से उनकी मेमोरी अच्छी बढ़े। तो ये षटखंड, ये जो श्रुत स्कंद कहलाता है, यानी ये पूरा श्रुत का स्कंद यानी वृक्ष है। तो वह यंत्र होता है, पूज्य होता है। उस दिन जो धवला ग्रंथ होते हैं पूरे भारत में जहाँ जहाँ मंदिरों में रखे होते हैं, उन ग्रंथों की पूजन भी होती है। पहले लोग आईने में अभिषेक करते थे ग्रंथ को, ऐसे आईने का दिखा के आईने पर जल की धारा छोड़ते थे, लेकिन अब आजकल व्यवस्था हो गई है ताम्र पत्र पे, पीतल पे, चांदी पे उसको उत्कीर्ण करा के उसी का अभिषेक यंत्र का करते हैं। और जिनवाणी की शोभा यात्रा उस दिन निकाली जाती है और षटखंडागम ग्रंथ आदों की पूजा करती है। पाठशाला के लिए भी कुछ लोग योगदान देते हैं और जो पाठशाला में सहयोग देने वाले हैं उनका भी उस दिन सम्मान करना चाहिए। और ये प्रतिवर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। ये महापर्व है, जिनवाणी रक्षा का दिन है। उस दिन कुछ लोग अचार सजाओ प्रतियोगिता आदि करके अचार भी मंदिर में लाते हैं, जिनवाणी को भी सुरक्षित करते हैं। अभी कई स्थानों पर देखा कि लोग मंदिर की अलमारी की जिनवाणी निकाल के और व्यवस्थित करते हैं। आप देखें कई जगह, कई स्थानों में अलमारियों में जिनवाणी रखी रहती हैं, जाले लग रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर की कितनी अच्छे से साफ सफाई और व्यवस्था करते हैं, वर्ष में एक बार दीपावली को ऐसे ही, जिनवाणी की भी हर दो तीन महीने में। महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए क्योंकि इससे बुद्धि अच्छी होती है, छेपसम बढ़ता है, याद जल्दी होने लगता है, क्योंकि जिनवाणी की जो वैयावृत्ति करेगा, ये महाग्रंथ हैं, इसलिए इन ग्रंथों को जो भी, हमने भी बहुत सारे ग्रंथों को उत्कीर्ण करवाया था, जैसे रत्नकंठ साहब का चार, स्तूप देश, भक्तांबर और तत्वार सूत्र, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको ताम्र पत्र, क्योंकि हजारों साल तक हमें इन ग्रंथों को सुरक्षित रखना है। तो एक ही माध्यम है, क्योंकि जमीन में जब ताम्र पत्र शिलान्यास आदि होता है मंदिर का, तो रखा जाता है ताम्र पत्र। क्यों रखा जाता है? कि वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि धातु जमीन से निकलती है, इसलिए जमीन में भी दबी रहती है, तो जब भी निकालेंगे तो वो प्रशस्ति निकल आती है कि इतने वर्ष पहले इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। हजारों साल तक उनकी आयु ताम्रपत्र ताड़पत्र ग्रंथ की होती है, पीतल पे भी उत्कीर्ण होने लगे हैं व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमें अपनी जिनवाणी को सुरक्षित रखने का एक सबसे अच्छा उपाय है, उस दिन जिनवाणी की शोभा यात्रा भी निकाल करके, जिस प्रकार से भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं कई स्थानों पर, तो देव सास गुरु तीनों की निकलती, जहाँ साधु विराजमान होते हैं, नहीं होते हैं तो कम जिनवाणी की, तो उस दिन शोभा यात्रा निकाल के। आजकल लोग अपने जन्म का महोत्सव, अपनी शादी की सालगिरह मैरिज एनिवर्सरी, और शादी के पहले प्री वेडिंग, और जाने क्या क्या आजकल होने लगे हैं, इनमें तो लोगों को बहुत आनंद आता है। लेकिन जब आती है बात किसी ऐसे कार्यक्रम की, शोभा यात्रा की, तो लोग दूर भाग जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी हमने बताई थी ना, कि पुण्यशाली लोग ही मंदिर तक आ पाते हैं। ये सूचना जो मंदिर प्रतिदिन आ रहा है या जो क्रियाओं में शामिल हो रहा है, बड़ा सौभाग्यशाली है। सिर्फ वो सौभाग्यशाली नहीं जो बोलियां लेता, जो बोलियां नहीं भी ले रहा है लेकिन मंदिर तक आ रहा है, अनुष्ठान में शामिल हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, वह भी सौभाग्यशाली होता है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझना, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मैं प्रवचन कक्षा में आ पा रहा हूँ, भगवान का अभिषेक शांति धारा देखने आ रहा हूँ। जिनवाणी को संवारने का सौभाग्य भी आपको मिल रहा है। तो महिलाओं को अवश्य पूरे भारत में, जहाँ जहाँ, पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ लोग हमारी बात को सुनते हैं, उन सब के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग इस जिनवाणी की वैयावृत्ति जरूर करना, क्योंकि जिनवाणी की रक्षा रहेगी, सुरक्षा रहेगी, तो हमारी सुरक्षा रहेगी। उसी के माध्यम से तो हमें ज्ञान होता है। जिनवाणी ने ही तो बताया हमें कि हमें कैसे अपनी चर्या करना है। साधु संत भी इसलिए स्वाध्याय में हमेशा लीन रहते हैं, जिसके माध्यम से वो जान पाते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे शास्त्रों की रचना हुई। इसलिए एक
बहुत अच्छी स्तुति है। तो इस प्रकार से देखो, इसमें क्रमिक काल भी आएगा। तीर्थंकर सर्वज्ञ की वाणी गंगाधार, बह बह कर आई यहाँ भव्यो उर में धार। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव से वर्धमान जिन तक आई, गणधर मुनियों ने अपना कर मुक्ति निराकुलता पाई। ऐसी जिन वरवाणी गंगा भव्यों के कलमस हरती, ग्रंथों के लिपिबद्ध कुंड में डूबो मन पावन करती। महावीर की तीर्थ देशना 30 वर्ष तक सतत खिरी, गौतम सुधर्म के विली द्वय की 12 वर्ष झरी। 38 वर्षों जम्बू जिन हितकारी उपदेश दिया, गौतम आदि अनवद्य के विली 62 वर्ष विहार किया। द्वादशांग के ज्ञाता विष्णु नंदी मित्र अपराजित थे, गोवर्धन मुनि भद्र बाहुसुत के विली क्रम साराजित थे। 14, 16, 22, 19, 29 वर्ष विहार किया, क्रमशा होते 100 वर्षों में सत्य धर्म प्रचार किया। 11 अंग सुदस पूर्वों के ज्ञाता 11 शूरि हुए, ख्यात विशाखा 4 प्रौसठिल क्षत्रि मुनि जयसेन हुए। नागसेन सिद्धार्थ मुनीश्वर ततिसेन वा विजय रहे, बुद्धिलिंग मुनि देव मुनीश्वर सर धर्म सेन जयवंत रहे। इनका काल रहा है क्रमशा 10, 19, 17 है, 21, 18, 17, 18, 13, 20 रहे, 14, 14 अथवा 16 धर्म प्रभावन काल रहा। सभी मिलाकर 17, 83 वर्ष धर्म अवतार रहा। 11 अंगों कुछ पूर्वों के ज्ञाता 5 आर्य रहे, है नक्षत्र नाम जय मा पाला पांडव श्री ध्रुवसेन रहे। कंस सूर्य इनके प्रभावना 18, 20, 39 वर्ष, 14, 32 क्रम के मिलाकर 27 वर्ष। क्रम साहीन अंग के ज्ञाता 10, 9, 8 अंग धारी, सुभद्र यशभद्र भद्र बाहुजी लोहाचार सुगुण धारी। क्रम साकाल रहा 6, 18, 23, 53 या 50, 99, 97, 2 मत गुरु वचनों में व्यत्यास। क्रम साकाल रहा 28, 21, 19, 30 व 20, इनका जोड़ 118, कुल 683 गीत। एक अंग धारी अरहद बलि मांग नंदी धर शेन महान, पुष्पदंत मुनि भूत बलि को मृदुमति नमन करे धर ध्यान। इस प्रकार से यह आचार्यों की परंपरा रही है। लोग कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, अगर अपनी बुद्धि बढ़ाना है तो हमेशा एक प्रयास करना कि जो भी जहाँ पर ज्ञान का दान चल रहा है, ज्ञान की सभा चल रही है जिनवाणी की, उसकी अनुमोदना करें, विनय करें। जिनवाणी की जितनी विनय करोगे उतनी आपकी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि कैसे अच्छी प्राप्त होती है, तो जो विद्वान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी हमेशा अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना। और कभी भी जिनवाणी जहाँ पे भी स्वाध्याय आदि चल रहा है तो उठकर खड़े हों जब जिनवाणी स्तुति हो, और जहाँ शास्त्र रहते हैं उनकी भी विनय करें। उस जिनवाणी की विनय करने से अपनी अच्छी बुद्धि हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री उत्तम जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री उपांश जैन, श्रीमती सपना जैन, प्रत्युष प्राप्ति जैन, फर्म स्वास्तिक ट्रेडर्स रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री रजनीकांत मोदी, श्रीमती मणि जैन, स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन एडवोकेट, श्रीमती रुकमणी जैन, श्री शुभम मोदी सीए, श्रीमती गजल मोदी सीए, मुंबई प्रवासी,
रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश, श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती विमला रानी जैन, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, सिमी जैन, सजल जैन, सिमरिया परिवार, फर्म विनम्र हार्डवेयर, रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश।